आप यदि जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और उसका जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि डीम कन्वेंस जैसा महत्वपूर्ण कानून आपको उस जमीन का मालिकाना हक भी दिलवाता है, भले ही उस जमीन का मालिक या बिल्डर आपकी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कन्वेंस नहीं दे रहा हो। आपका बिल्डर आपकी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कन्वेंस नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आप डीम कन्वेंस के जरिए यानी कि मानवीय अभिहस्तांतरण के जरिए इस जमीन के मालिक भी बन सकती है आपकी हाउसिंग सोसाइटी। जी हाँ, डीम कन्वेंस कानून बनकर 10 साल हो गए हैं और इसमें जागरूकता और बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में खुद कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर अनिल कवड़े साहब ने खुद बागडोर संभाली है। क्या कुछ कहा अनिल कवड़े साहब ने, दिखाते हैं। हाउसिंग फेडरेशन्स आहेत या सगळ्यांनी या विषयामध्ये ऍक्टिवली लक्ष घालणं आणि या सोसायट्यांना सभासदांना मालकी हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी हे मानवी मानवी हस्तांतरणाची ही जी मोहीम आहे ती यशस्वी करणं हा आपला मुद्दा आहे। महाराष्ट्र शासन द्वारा डीम कन्वेंस पर विशेष मुहिम चलाए जाने पर महाराष्ट्र भर में इसका स्वागत हो रहा है। मुंबई हाउसिंग फेडरेशन की बात करेंगे दोस्तों, एडवोकेट डीएस वडेर हैं मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के, उन्होंने भी स्वागत किया। क्या कुछ कहा एडवोकेट डीएस वडेर ने। मैं एडवोकेट डीएस वडेर, सचिव मुंबई हाउसिंग फेडरेशन। माननीय कमिश्नर साहब ने जो 17 दिसंबर में एक परिपत्र निकला है मानवीय अभिहस्तांतरण का, जो उन्होंने तारीख दिया है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हर एक हाउसिंग सोसाइटी ने ये अर्जी करना है और DDR को ऐसा आदेश दिया है कि ज़्यादा करके जो इश्यूज है, जो अभिहस्तांतरण के प्रकरण है, वो उन्होंने निकालना है। ये बड़ा अच्छा ऐसा वरदान सोसाइटी को है, जिसके वजह से मानवीय हस्तांतरण होने से हर एक सोसाइटी को उनका हक मिल जाता है और वो उनका जमीन और बिल्डिंग के मालिक बन जाते हैं। डीम कन्वेंस की इस विशेष मुहिम का महाराष्ट्र भर में स्वागत हो रहा है। आइए जानते हैं डीम कन्वेंस पर अथक मेहनत कर कानून बनवाने वाले अहम रोल अदा करने वाले हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी से। रमेश प्रभु जी, आपका स्वागत है इस विशेष बुलेटिन में। प्रभु जी, इस नई मुहिम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो सोसाइटी को अभी तक डीम्ड कन्वेंस या कन्वेंस मिला नहीं है, वो डीम्ड कन्वेंस का एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें सोसाइटी को अपना जमीन और बिल्डिंग इसका हस्तांतर या ट्रांसफर कैसे करके ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी सोसाइटी को दिया जाएगा। रमेश प्रभु जी, यदि एक आम आदमी को डीम्ड कन्वेंस के बारे में समझना हो, मतलब कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक बंदा जिसे डीम कन्वेंस के बारे में जानकारी लेना हो, और इस डीम कन्वेंस के बारे में आप किस तरह से विश्लेषित करेंगे? देखिए, पहला ये समझते हैं कि सोसाइटी बनने के बाद सोसाइटी के नाम से जमीन और बिल्डिंग करके लेने का बहुत जरूरी है और ये कायदा में भी प्रावधान है। उसी तरह से हर एक जो फ्लैट वाले हैं, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के हिसाब से फ्लैट लेते हैं, जब फ्लैट लेते हैं वो फ्लैट का मालिक बनते हैं, और उसी एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है पूरा लोगों का, फ्लैट ओनर का एक सोसाइटी बनाया जाएगा और वो सोसाइटी के नाम से जमीन का हस्तांतर किया जाएगा, और ये जो हस्तांतर करने का जो कालावधि है वो 4 महीना है, सोसाइटी बनाने के 4 महीने के अंदर करना है। यदि वो नहीं करते हैं तो कानून ने ये बताया गया है कि ये माना जाएगा कि उनको सोसाइटी को वो जमीन और बिल्डिंग मिल गया, लेकिन ये बोलने से नहीं होता है, किधर ना किधर एक दस्तावेज या किधर ना किधर एक एग्रीमेंट बनना चाहिए, एक कन्वेंस डीड बनना चाहिए। ये कन्वेंस डीड बनाने के लिए मानवीय अभ्यस्तांतर के माध्यम से या डीम्ड कन्वेंस के माध्यम से कि जिला उपनिबंधक को ये अधिकार दिया है, वो बिल्डर के तरफ से और जमीन मालिक के तरफ से सोसाइटी के नाम से जमीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके दे सकते हैं। इसके लिए वो बिल्डर और जमीन मालिक को बुलाएंगे, उनका हियरिंग होगा, 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रक्रिया खत्म होगा। इस तरह का जो प्रक्रिया है जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में दिया है उसको हम डीम्ड कन्वेंस बताते हैं। 1963 में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट आया, मगर 1963 से लेके 2010 तक जब हमने देखा अराउंड 47 ईयर्स, ये हमने देखा कि सोसाइटी को जब कन्वेंस नहीं देता है तो उनको अलग अलग न्यायालय में जाना पड़ता है, जो सिविल कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो। अभी ये कोर्ट कचहरी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद अपील होता है, ये रोकने के लिए तो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर असोसिएशन तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन गया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत अच्छा
प्रावधान है करना चाहिए, तो उन्होंने एक कमिटी स्थापन किया। उस कमिटी में मुझे भी लिया गया। उस कमिटी मिलने के बाद वो कमिटी का सदस्य होने के जब से वो कायदा भी बन गया, उसके बाद नियम बन गया। और इसमें बहुत सारा योगदान मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस कैंपेन बहुत हमने किया, एक किताब भी लिखा है, और अलग अलग CM या सहकार मंत्री या आपका कोऑपरेटिव मिनिस्टर इन लोगों को मिलना पड़ा, और राष्ट्रपति को भी इसके माध्यम से मुझे मिलने का एक सौभाग्य मिला। और इस तरह से हमने डीम्ड कन्वेंस ये हकीकत में रूपांतर किया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से रमेश प्रभु जी हाउसिंग गुरु खुद बता रहे हैं कि डीम कन्वेंस कितना सरल है, और ये आपका अहम अधिकार है जो आपको डीम कन्वेंस के जरिए आपके उस जमीन के मालिकाना हक भी बनाता है। तो प्रभु साहब आप बताइए, आप जैसे कॉपरेटिव डिपार्टमेंट तो ये एक स्पेशल ड्राइव विशेष मुहिम चला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन महासेवा इस अभियान में किस तरह से जुड़ी हुई और कितने समय तक ये विशेष अभियान फ्री अभियान चलाएंगे? देखिए, हमने डीम कन्वेंस के ऊपर अच्छा एक किताब लिखा है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री तब का मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया है। उसी तरह से राष्ट्रपति ने भी उसको फॉरवर्ड मैसेज दिया। बट आपको ये मैं बताऊँ कि अभी ये जो मुहिम है वो 15 दिन के लिए कॉरपोरेट डिपार्टमेंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार करेंगे, मगर हम इसको 1 साल तक ये मुहिम लेके जाएंगे। और हमारे तरफ से हमारा एसोसिएशन में अलग अलग जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको आप मुफ्त में सलाह ले सकते हो। और अलग हमने क्या किया है कि एक बुकलेट, एक 50 पेज का एक बुकलेट हमने तैयार किया, जिसमें पूरा प्रक्रिया GR और अलग अलग डिप्टी रजिस्ट्रार का एड्रेस, DDR का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब दिया है। तो लोग चाहते तो खुद भी कर सकते हैं, या यदि उनको कोई मदद चाहिए मुफ्त में हमारे तरफ से कोई मदद चाहिए उनको वो भी मदद मिलेगा। और यदि उनको बुक चाहिए वो हमारा ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं, उनका पूरा डिटेल दे सकते हैं, तो कि हम उसको पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। हमारा ऑफिस का नंबर है 02242551414 या 02242551425 या 02242551432 या उनको ईमेल करना है mswa.hag@gmail.com या मुझे पर्सनली ईमेल करना है तो rsprabhu13@gmail.com। यदि उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप मैसेज 9820106768 वो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, यदि फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आने वाला दिनों में तो डीम्ड कन्वेंस करने के बाद उनको रीडेवलपमेंट का, FSI का पूरा बेनिफिट सोसाइटी को मिल सकता है। थैंक यू रमेश प्रभु साहब, आपका खूब खूब धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों ये था डीम्ड कन्वेंस पर हमारा विशेष बुलेटिन। आप भी यदि आपने फ्लैट परचेस किया, आप फ्लैट के मालिक हैं, लेकिन वो जो उस हाउसिंग सोसाइटी पर जहां पर ये लैंड है, जहां जमीन है, उसके जमीन का मालिकाना हक भी आपको मिलना चाहिए। उसी को लेकर ये डीम कन्वेंस है और महाराष्ट्र शासन का ये विशेष अभियान जागरूकता के लिए बना चलाया जा रहा है। तो आप इस अभियान से जुड़े महासेवा के नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, आप फ्री वहाँ पर उनसे सलाह भी ले सकते हैं। और हमारे विशेष महासेवा न्यूज़ के बुलेटिन के लिए आज इतना ही। मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।